Like our videos and subscribe us for more updates. Good afternoon everyone. आज अपन चर्चा करेंगे medicated peeling, chemical peeling या medicated facial, जिसको जिसके माध्यम से अपन चेहरे पे होने वाले दाग और फुंसियों का ट्रीटमेंट करते हैं. इसके अंतर्गत medicines का application किया जाता है चेहरे पे, जो चेहरे की ऊपरी परतों को हटाता है, peel off करता है, जिससे जो डिजीज पार्ट है, जैसे एक्ने अगर है तो एक्ने का पिगमेंटेशन है, मेलाजमा है, दाग धब्बे हैं, वो दूर होते हैं. इसके लिए अपने को हर 15 दिन के इंटरवल से 5-6 सेटिंग करने की आवश्यकता पड़ती है. बाद में भी इसमें मेंटेन रखने के लिए हर 3-4 महीने में एक सेटिंग करनी पड़ती है. यह भी पूर्ण रूप से सुरक्षित ट्रीटमेंट है, बिल्कुल दर्द रहित ट्रीटमेंट है. इसमें कोई पेन नहीं होता, कोई पोस्ट प्रोसीजर साइड इफेक्ट नहीं है. जो भ्रांति जनरली अपने पार्लर्स वाले मिसगाइड करते हैं कि भाई इससे कोई साइड इफेक्ट होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया है. बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, एक तरह से फेशियल है और पीलिंग. इसमें लोशन लगाते हैं जिससे डेड स्किन हट जाती है, रिजुवेनेट होती है स्किन, और अपर लेयर्स में जो डिजीज पार्ट है वो रिमूव हो जाता है. इसमें अपन कई तरह के केमिकल सॉल्यूशंस काम लेते हैं, जैसे ग्लाइकोलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड है, मैंडेलिक एसिड है, आर्जिक पील है, और विभिन्न तरह के नोमिलान फिनोल पील है. इसमें बहुत सारे के लोशन काम में लेते हैं. एक येलो पील आती है जो इंस्टेंट ग्लो के लिए होती है, और इंस्टेंट ग्लो के लिए भी बहुत सारी पील होती हैं. कई तरह की पीलिंग की कैटेगरी होती है. इसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बहुत निर्भर करता है कि रिजल्ट कैसा आएगा. अगर अपन अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करने से काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है. और हमने देखा है कि पीलिंग के साथ में मेडिसिन और ओरल मेडिसिन देने से दोनों को कंबाइन करने पे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट का रिजल्ट आता है, चाहे वो पेशेंट के स्पॉट्स हो, पिगमेंटेशन हो, दाग हो, फुंसियाँ हो, फुंसियों के खड्डे हो, सभी प्रकार के स्किन की चेहरे की बीमारियों में अच्छा रिजल्ट आता है. तो इसलिए केमिकल पीलिंग, नाम सुनकर केमिकल सुनकर ना घबराएं, ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, इसके अच्छे फायदे हैं. अगर अपन पोस्ट प्रोसीजर प्रिकॉशंस रखते हैं तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता. थैंक यू.